अभी तक अपनी बहू को घर से नहीं निकाला। कितनी बार समझाएं हम आपको, अरे डायन है वो औरत, डायन। जब पैदा हुई तो अपनी माँ को खा गई, जब 10 साल की हुई तब अपने फूफा को खा गई, और जब शादी हुई तो अपनी सास को खा गई। अरे कितनी जाने गवाओगे अभी। हेलो, कौन बोल रहा है? सामने आके कहीं नहीं बात करते हो? हेलो, आपकी बहू एक डायन है, इसे घर से निकाल दो। ये पूजा पाठ सब ढोंग है, सबसे पहले इसने आपकी पत्नी को खा लिया, अब एक एक करके सबको खा जाएगी। आपका शुभ चिंतन। ओम रीम क्लीम चामुंडाय विश्व, ओम रीम क्लीम चामुंडाय विश्व। आखिर कौन है जो आरती के ससुराल वालों को भड़का रहा है कि वो डायन है, और आरती को डायन साबित करके उसे क्या मिलेगा? ऊपर से सीधा दिखने वाला आज का ये केस हर पल नए अपराध और हर लम्हा नए खुलासों की वो श्रृंखला है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हेलो, ठीक है हम आते हैं। खान चलो। सब सर, बॉडी बुरी तरह जली हुई है। देखो कोई आईडी या कोई और सामान मिलता है तो देखो सब तरफ। सर ये घड़ी, कंगन और गले की चेन देख के तो लगता है किसी लड़की की बॉडी। कोई आईडी या सामान नहीं मिला। खान आसपास के पुलिस स्टेशन पे चेक करो, कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या? सर और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर हमारी बेटी रश्मि कल कॉलेज गई थी और घर वापस नहीं लौटी है। सर हमारी बेटी कोमल भी कॉलेज से नहीं लौटी है। दोनों जी किस कॉलेज में पढ़ती? जनता कॉलेज। आप दोनों भाई भाई हैं। हमारा नाम संतोष यादव है और ये हमारी बेटी रश्मि का फोटो। हम बबलू यादव हैं, ये हमारी बेटी कोमल। आप लोग आइए हमारे साथ। ये ज्वेलरी पहचानी बॉडी से मिली है। सर सर ये बूंदे और चेन हमारी बेटी कोमल के नहीं है। सर ये हमारी बेटी नहीं है। पर ये बूंदे और चेन तो रश्मि के लगते हैं। ठीक है आप लोग जाइए। नहीं ये ज्वेलरी देखिए, मीरा देवी ने बोला कि ये रश्मि की ज्वेलरी। अरे वो झूठ बोलती है, हम रश्मि के बाप हैं, हम उसको नहीं पहचानेंगे। ये कोमल हो सकती है। ठीक है आप जा सकते हैं। सर ये दोनों परिवार कह रहे हैं कि ये दूसरे की बेटी है। खान इन खून के रिश्तों में कोई जहर घुला हुआ है,
लेकिन दोनों फैमिलीज की बेटियों का एक साथ गायब होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं सर, कुछ तो है ये दोनों परिवार जो छुपा रहे हैं। दोनों फैमिलीज का डीएनए टेस्ट करो और वेरीफाई करो कि ये बॉडी किस फैमिली की बेटी की है। सर। ओम रीम क्लीम चामुंडाय विश्व। बाबूजी, रश्मि का कुछ पता चला? बहुत कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे हम भी उसके दोस्तों से कॉलेज भी जाके पता की, कोई खबर ही नहीं। आप निश्चिंत रहिए बाबूजी, रश्मि को कुछ नहीं होगा। प्रसाद लीजिए। अगर हमारी बिटिया को कुछ हुआ ना तो हम तुम्हें जलाकर मार देंगे, समझे हो? बाबूजी रहने दो, क्या कर सकते हैं, रहने दीजिए। कोमल का कुछ खबर? अरे कोमल से हमरे काले ना देना रे, हैं? अरे वो जाने उसका बाप जाने, अरे अजी है। कहीं वो अपनी कोमल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमारी बच्ची कोमल नहीं हो सकती। अरे उसकी उम्र ही क्या है? मेरे बच्चे ने तो दुनिया भी नहीं देखी है। सर, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी रश्मि की है और सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत सर पे चोट लगने की वजह से, बाद में बॉडी को जलाया गया। मतलब कातिल नहीं चाहता है कि बॉडी की शिनाख्त हो, या फिर कातिल की नफरत ने रश्मि को इस अंजाम तक पहुंचा दिया। कोमल का कुछ पता चला? नहीं सर। ठीक है, संतोष यादव के परिवार को खबर कर दो। ओके सर। संतोष जी, जो जली हुई लड़की की बॉडी हमें मिली है, डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि वो आपकी बेटी रश्मि की ही है। सर, ये संतोष यादव और बबलू यादव, इन दोनों भाइयों के बीच 2 साल पहले गैरेज और घर के बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ था। तब से दोनों भाइयों का परिवार एक ही छत के नीचे रहते हुए अलग अलग रहते हैं। गैरेज कहाँ? ये गैरेज मेन मार्केट में, उसी को लेकर लड़ाई हुई थी और कोर्ट में केस भी चल रहा है। ये गैरेज चला कौन रहा? संतोष यादव का बेटा राहुल चला रहा है। बड़ा भाई बबलू यादव स्कूल टीचर है और छोटा भाई संतोष यादव खेती बाड़ी करता है। कहीं रश्मि की मौत और कोमल के गायब होने की वजह इन दोनों भाइयों की आपसी दुश्मनी तो नहीं? हो सकता है सर। चलो, किसी को कोई शक है आपको? किसी बाहर वाले से कोई झगड़ा या घर के किसी सदस्य से कोई बैर? नहीं सर, मेरा भाई हमसे झगड़ा जरूर कर सकता है पर वो हम भी पिठिया को नहीं मार सकता। अरे उसके लिए भी तो बिटिया जैसी ही थी ना वो। और कौन कौन रहता है आपके घर पे? सर हमारा बेटा राहुल और बहू आरती। आपका बेटा राहुल कहाँ है? दुकान पर। नहीं नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं था। और झगड़ा इतना भी बड़ा नहीं था सर, और बेटी तो हमारी भी गायब है। संतोष जी, रश्मि के सर पे चोट लगने की वजह से उसकी मौत हुई है, आपको पक्का यकीन है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं? सर हमारी बिटिया की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कोमल मिसिंग है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रश्मि और कोमल के बीच में कुछ चल रहा हो और कोमल रश्मि को मार के फरार हो गई? नहीं सर, कोमल भी कभी ऐसा नहीं कर सकती सर। कोमल और रश्मि के बीच में कभी कोई झगड़ा, कोई अनबन वगैरह? झगड़े की नौबत तब आएगी ना जब बातचीत होगी। हमारी आपस में बातचीत बंद है। ठीक है, घर में बातचीत नहीं होती होगी लेकिन दोनों लड़कियां साथ में कॉलेज में पढ़ती थी ना, तो हो सकता है वहां बातचीत होती हो। नहीं सर, 2 साल पहले जब घर का बंटवारा हुआ था तो गैराज के साथ साथ दिलों के भी बंटवारे हो गए थे। छोड़, हाँ छोड़। वाह भाई साहब वाह, जब गैराज चलाने का बारी था तब आप कहाँ थे? दिन रात मेहनत करके हमारे बिटवा ने गैराज आज खड़ा किया तो आपको हिस्सा चाहिए? एक थैला नहीं मिलेगा आपको, एक थैला। बस कीजिए आप लोग, अब गैराज का फैसला जो है ना वो कोर्ट ही करेगा। हाँ तो ठीक है, कोर्ट में हो जाने दो गैराज का फैसला, लेकिन इस घर का फैसला आज होगा। अभी हम ऊपर रहेंगे और तुम नीचे, ऊपर आने की जरूरत नहीं है। और हाँ, खाना पीना भी अलग बनेगा। चलो मीरा चलो। कोई शौक नहीं आपके साथ रहने का,
चल कोमल थोड़ा हाथ। माँ मेरा टिफिन। हाँ अभी देती हूँ। थैंक यू। भाभी खाना हो गया? बस दो मिनट बैठो मिला। उस दिन के बाद रश्मि और कोमल एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। सर दोनों परिवारों में भले बातचीत नहीं है लेकिन एक दूसरे पर शक भी नहीं करते। संतोष यादव को देख के लग रहा है कि जरूर वो कुछ छुपा रहा है लेकिन सवाल यह है कि वो क्या छुपा रहा है और क्यों। खान इन दोनों लड़कियों की कॉलेज की जिंदगी को टटोलना होगा। सर कोमल और रश्मि के घर में ना सर बहुत प्रॉब्लम थी और लोगों के बीच में तो आपस में बात भी नहीं होती थी लेकिन कॉलेज में सुबह किचन में तो खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी। ले तेरी फेवरेट आलू गोभी की सब्जी। सर रश्मि और कोमल बहने कम दोस्त ज्यादा थी। इन दोनों बहनों कोमल और रश्मि इनका किसी से कोई प्यार व्यार का चक्कर या कोई ऐसा जो इनके पीछे पड़ा हो? हाँ सर कुछ ही महीने पहले हमारे कॉलेज का ही एक लड़का शेखर गुप्ता वो कोमल के पीछे ही पड़ा हुआ था। भैया एक प्लेट पकौड़ी दीजिए ना। आपसे कैसे पैसा ले सकते हैं मैडम? ये लीजिए खुद ही खा लीजिए। चल इतनी कठोर काहे कोमल जी? देख मेरा रास्ता छोड़ मुझे जाने दे। अरे तुम तो नाराज हो गई यार। क्या है बे ज्यादा शिकी चढ़ी है? दोबारा अगर मेरी बहन के आसपास भी दिखे ना फिर देख लेना तुम। देख लूंगा तुम दोनों को। सर उस दिन के बाद शेखर ने कोमल और रश्मि दोनों का ही पीछा करना शुरू कर दिया था और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। ये शेखर गुप्ता कहाँ मिलेगा? सर कुछ दिनों से वो कॉलेज ही नहीं आ रहा है। जी आ जाइए। खान सर ऑफिस से शेखर गुप्ता का एड्रेस निकालो और उठा के लाओ उसे। सर हेलो। सर पड़ोसियों से बात की ये शेखर दिल्ली गया है किसी काम से उसका मोबाइल बंद है। ठीक है वहां एक आदमी लगा दो जैसे ही शेखर आए उसे लेकर आओ। जी सर। रश्मि की मौत और कोमल की गुमशुदगी की तहकीकात में उलझी पुलिस के सामने अब आया एक ऐसा मोड़ जो शायद अब तक उनकी नजरों से ओझल था। परिवार में चल रही उथल पुथल इस केस को एक ऐसी दिशा की तरफ ले जा रही थी जिसकी पुलिस ने कल्पना भी नहीं की थी। इस पारिवारिक व्यथा से खुलने वाले थे कुछ ऐसे राज जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे। हेलो क्या यादव जी हा? वो डायन एक एक को निगल रही है और आप महात्मा बन रहे हैं। क्लीम चामुंडाए विश्व। अरे अब न जाने कौन उसका अगला शिकार होगा। हेलो हेलो क्लीम चामुंडाए विश्व ओम रीम क्लीम चामुंडाए विश्व ओम रीम क्लीम चामुंडाए विश्व। खान कोमल की फोटो को हर पुलिस स्टेशन और बीट चौकी पर भेज दो। सर हाँ बोलो। ठीक है हम आते हैं। सर यादव फैमिली में घमासान लड़ाई चल रही है। अरे तू हमारी पत्नी को खा गई हमारी बिटिया को खा गई निकल यहाँ घर से। चल 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 निकल यहाँ से। आप कुछ और तक ही नहीं हम छोड़ेंगे तू रुकिए ना देवर जी को पूरे मोहल्ले से निकाल के मार देंगे। चल उठ उठ हम तुझको छोड़ेंगे नहीं। चल बाबू जी क्या कर रहे हैं बाबू जी छोड़िए बाबू जी छोड़िए आज हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं बाबू जी नहीं बाबू जी टाइम को लोग देख रहे हैं बाबू जी लोग देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं बाबू जी। ठीक है तो हम ही जाते हैं। रुको उनके मामले से दूर रहो वो भी ऐसे ही तमाशा देखते अगर वो लाश हमारी बेटी की होती तो। तू हट जा आज मैं इसको जान से ही मार दूंगा। आ जा इसको दे दे इसको दूर कर दे मार दूंगा। क्या कर रहे हो
संतोष यादव का आरती के प्रति ऐसा बर्ताव किसी भी सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि संतोष यादव को लगता था कि उनकी बहू आरती ही उसकी बीवी और बेटी की कातिल है? क्या वाकई में आरती ने अपनी ननद और अपनी सास को मारा था, या इस सब में उसका कोई हाथ था? क्या आरती खुद एक अंधविश्वास का शिकार थी? अपनी बहू को जान से मारने की कोशिश की है तुमने? अपने घर की बहू के साथ ऐसा घिनौना सलूक, वो भी किसी की बेटी है। उसने हमारी बिटिया को जान से मारा है, उसका क्या? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? जब से आरती घर में शादी होकर आई है ना साहब, तब से हमारा घर तहस नहस हो गया है। राहुल आरती की शादी के ठीक एक महीना के भीतर हमारी पत्नी उमा का देहांत हो गया, और तो और हम दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया साहब, और अब उस डायन ने हमारी बिटिया को भी खा लिया। डायन, किस दुनिया में जी रहे हो तुम? हमारे पास सबूत है साहब, पिछला 2 साल से कोई आदमी हमको फोन पे आगाह करने का कोशिश कर रहा है। कितनी बार समझाएं हम आपको? अरे डायन है वो औरत, डायन। आपकी बहू एक डायन है, इसे घर से निकाल दो, ये पूजा पाठ सब ढोंग है। वो डायन एक एक को निगल रही है और आप महात्मा बन रहे हैं, अब न जाने कौन उसका अगला शिकार होगा। ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं है साहब, और जॉन लड़का उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, आज वो उसका। क्या कमी है इस लड़की में? पर कब तक शादी के लिए ना करते रहोगे? बहनों को शादी करने के है कि नहीं? देखो राहुल, हमने फैसला कर लिया है, तुम्हारा शादी इसी लड़की से होगा। बाबूजी, हम ये शादी नहीं करना चाहते। अरे तुम ही समझाइए ना इसको। अरे बेटा, तू तो समझदार हो गया है, घर की जिम्मेदारियां भी संभाल रहा है, तो माई के गोद में एक लल्ला नहीं देगा? लेकिन माई। देखो राहुल, हम लड़की के पिता को जुबान दे चुके हैं। पर बाबूजी, पर बार कुछ नहीं, तुम्हारा शादी इसी लड़की से होगा और इसी महीना में होगा, समझे हो? और अब देखिए, उसका माँ मर गया, उसका बहन मर गया, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं है, उसका पल्लू छोड़ने को तैयार नहीं। जब हमने उस लड़की को घर से निकालना चाहा तो उसने हम पर हाथ उठाया, हमको धक्का मार के रोक दिया। साहब, उस लड़की ने उसको भी बस में कर लिया है, पर हमको तो डर है साहब कि कहीं डायन उसको भी ना निकल ले। हमको बाबूजी के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं लिखवानी। आप पर किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं है? नहीं सर, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, बस हमें अपने बाबूजी के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करानी है। आपसे विनती है सर, आप प्लीज उनको छोड़ दीजिए। ठीक है साहू, ठीक है, ध्यान रखना इसका, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए इसके साथ। किस्मत अच्छी है तुम्हारी जो तुम्हारी बहू ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। आगे से कुछ मत करना इसके साथ ऐसा, समझे? अब जाओ, जाइए आप लोग। और सुनो, हमें उस आदमी का नंबर चाहिए जिसने तुम्हारे अंधविश्वास को बढ़ावा दिया और अफवाहों भरे लेटर्स भी। जी खान सर। सर, ये लेटर और कॉल रिकॉर्ड जिसमें आरती के डायन होने का जिक्र है, अमित झा के नाम पर रजिस्टर्ड है। कहीं आरती को डायन बताकर अमित झा ने ही तो इस क्राइम को अंजाम नहीं दिया? हो सकता है सर। डायन, सुनिए, अपना ध्यान रखिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो उनका फोन कर दीजिएगा, ठीक है? सुनो, अपनी पत्नी से बोल के अपने मायके चली जाए, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं इसके साथ कुछ कर दूंगा। बाबूजी, आप खामखा काहे उसको परेशान करते रहे? ओम रीम क्लीम चामुंडाय विश्व, ओम रीम क्लीम चामुंडाय विश्व, ओम रीम क्लीम चामुंडाय विश्व। हमने आपके लिए खीर बनाई। अच्छा जी, दिखाओ। क्या बात है, काजू किशमिश भाई, देखने में तो अच्छी लग रही है।
बेटा बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। दिखाइए हमें। आपने ऐसे झूठ क्यों बोला? अच्छी भी नहीं है। अरे बेटा, तू हमारी प्यारी बेटिया है, तू जो भी बनाएगी वो अच्छा है। आरती वाकई में डायन है। जब से इस घर में आई है सब गलत हो रहा है। हमको इस बात अपनी कोमल बिटिया की सलामती के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, मेरी बिटिया को सही सलामत घर वापस कर दो, उसकी रक्षा कर दो प्रभु। अमित शाह जी सर, ये लेटर्स तुमने ही लिखे थे? नहीं सर, मैंने नहीं लिखे थे। तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं हमारे पास, एक एक कॉल का डिटेल है तुम्हारी। क्या चल रहा है ये सब? सर सच बता, वरना तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। सर, सर वो लेटर मैंने ही लिखे थे और वो फोन कॉल भी मैंने ही किए थे। अरे डाइन है वो, डाइन है डाइन। जब पैदा हुए तब अपनी माँ को खा गए। तू आरती को डाइन क्यों साबित करना चाहता है? आरती डाइन ही है, मेरी सालत की जिम्मेदार वही है। मेरी शादी के सिर्फ 3 दिन रह गए थे, इस हादसे के बाद मेरी शादी टूट गई। उसने जिंदगी भर के लिए मुझे अपाहिज बना दिया, उसी की वजह से हुआ सभी। आरती ने तुम्हें धक्का मारा? जी सर। तुमने कभी आरती के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई? सर नहीं। एक लड़की ने तुम्हें छत से धक्का दिया, तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, फिर भी तुमने उसके खिलाफ कभी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई। चलो खा। सर ये तो साफ हो गया है कि ये आरती को परेशान करने के लिए, उससे बदला लेने के लिए उसे फोन करता था, लेटर भेजता था, लेकिन इसको देखकर लगता नहीं है कि ऐसे क्राइम को अंजाम दे सकता है। हो सकता है इसने किसी को हायर किया हो। इसके कॉल डिटेल्स निकालो और मिलने जुलने वालों पर नजर रखो। वो कॉल और लेटर्स भेजने वाला अमित झा है, आप जानते हैं अमित झा को? जी हम जानते हैं। ऐसा क्या हुआ था कि अमित झा आपको डायन साबित करने पे तुला हुआ था? सर वो हमें हमेशा से परेशान करता था, वो हमको पसंद करता था, हमसे शादी करना चाहता था। और एक दिन आरती, 3 दिन के बाद शादी है हमारी, ये लो कार्ड, तुम शादी में जरूर आना। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, बधाई हो आपको। खुश नहीं हो तुम? काहे, हम तो बहुत खुश हैं। आरती अगर तुम अभी भी हाँ कर दो तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगा। क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए हमको। बहुत पछताओगे तुम, देख लेना तुम, हमसे ना करके ना बहुत पछताओगे। और उस दिन के बाद से अमित ने सबको कहना शुरू कर दिया कि हम डायन हैं, हमने उसकी ऐसी हालत की। अच्छा ठीक है सर, कोमल के मोबाइल की लास्ट लोकेशन वही है जहां से हमें रश्मि की लाश मिली थी, तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोमल ने ही रश्मि को मारा हो और फिर वहां से फरार हो गई हो? खान हो सकता है कोमल के साथ कोई हादसा हुआ, उस पहाड़ी वाले एरिया को एक बार फिर से छान मारो। सर देखिए वहां नीचे एक बॉडी है। चलो नीचे चलते हैं। सर बॉडी को देखकर लगता है कि 3-4 दिन पुरानी है, लगता है सर इसको भी उसी तरह जलाया गया है जैसे रश्मि को जलाया गया है। सर हो सकता है उसी दिन जिस दिन रश्मि की बॉडी मिली थी।
और ये ऊपर से नीचे गिर गई, इसलिए किसी की नजर इस बॉडी पर नहीं पड़ी। खान सर, ये बॉडी कोमल की भी तो हो सकती है जो अब तक मिसिंग है। हो सकता है सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर कोमल मेरी बेटी क्या हो गया बाबू? कोमल उठ तक तो लग रहा था कि कोमल ने रश्मि को मारा, लेकिन वो तो खुद हादसे की शिकार हो गई है। और सर अमित झा के कॉल रिकॉर्ड से भी मालूम पड़ गया है कि उसने किसी को हायर नहीं किया। सर सर शेखर गुप्ता को ले आए हैं। चलो दोनों बहनों रश्मि और कोमल को क्यों मारा? हमने नहीं मारा साहब उनको। पूरा कॉलेज जानता है तू उन्हें परेशान करता था, तूने धमकी भी दी थी उनको। सर ये बहुत पहले की बात है, हमने उनको छेड़ना बंद कर दिया है जब से उसके भाई से। साले कोमल और रश्मि को छेड़ा तूने? कौन है तू? मैंने क्या किया? हमारी बहन को छेड़ा तूने? साले अब आज के बाद अगर उनको आंख उठा के देखे ना तो जान से मार देंगे, समझा? साहब उस दिन के बाद से हमने रश्मि और कोमल को आंख उठाकर भी नहीं देखा। 12 तारीख को तू कहां था? सब दिल्ली में था। अब कहीं मत जाना। ये शेखर अब भी शक के दायरे से बाहर नहीं, इसकी 12 तारीख की लोकेशन और डिटेल्स निकालो और नजर रखो इस पर। राहुल ने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई हुई? इस बात का जवाब तो वो राहुल ही दे सकता है। पुलिस के सामने हर कदम पर कुछ ना कुछ चौंका देने वाली बातें आ रही थी। राहुल का इतनी बड़ी बात को छुपाना राहुल को भी संदिग्ध बना रहा था। क्या राहुल जानता था कि कोमल और रश्मि की मौत के पीछे कौन है, या कुछ ऐसा था जिसे वो छिपाना चाहता था? आगे खुलने वाले थे कई और चौंका देने वाले राज। संतोष लगा नंबर? नहीं भाई साहब नहीं लग रहा है। राहुल का? सर हम उसी को तो फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं लग रहा है। और आपकी बहू आरती? सर वो दोनों आज सुबह ही साथ घर से निकले हैं। नंबर दो। खान सर सर ये राहुल और आरती दोनों का फोन नहीं लग रहा है, नॉट रीचेबल है। ठीक है दोनों की लास्ट लोकेशन ट्रैक करो। सर राहुल का लास्ट लोकेशन पहाड़ी के पास का है जहां से हमें कोमल और रश्मि की बॉडीज मिली। राहुल वहां क्या कर रहा था? सर हो सकता है राहुल को कातिल का कोई सुराग मिल गया हो और कातिल ने उसे गायब कर दिया हो। और आरती की लोकेशन? सर शहर के बाहर वाले मंदिर का है। ठीक है चलो। ओम रीम क्लीम चामुंडाय विश्व, ओम रीम क्लीम चामुंडाय विश्व, ओम रीम क्लीम चामुंडाय विश्व, ओम रीम क्लीम चामुंडाय विश्व। पंडित जी जरा। जी ये आरती यादव की पूजा कब से चल रही है? सर वो 6 घंटे से पूजा कर रही है और बहुत कष्ट सह रही है। 6 घंटे? इस बीच ये कहीं बाहर नहीं गई? नहीं सर ये तो 6 घंटा से पूजा ही कर रही है। ये पूजा किस लिए कर रही है? अब सर वो का है पेट से है ना, तो इनकी मनोकामना है कि इनको लड़का ही हो। क्या ये जादू टोना भी करती है? अब वो तो हमने देखा नहीं पर सुना जरूर है। ये क्या है? पिताजी मैं घर छोड़कर जा रही हूं। आरती का इस तरह से पूजा हवन करना ताकि उसे बेटा हो बेटी नहीं
यह इशारा था कि बेटे की चाहत आरती से कुछ भी करवा सकती है। हमारे आज के समाज में बेटे और बेटी को बराबर समझा जाता है, तो फिर आरती को बेटे की इतनी लालसा क्यों थी, जबकि वो खुद एक बेटी है, एक स्त्री है। क्या बेटे की इसी चाहत ने आरती को मुजरिम बनने पर मजबूर किया? तुम्हारा पति राहुल कहाँ है? सर हमको नहीं पता, सुबह मंदिर में छोड़कर हमको किसी काम के लिए निकल गए थे। काम? हम भी उनका ही इंतजार कर रहे थे, कहे कि हवन की आखिरी आहुति उनको ही देनी थी। आखिरी आहुति उन्हीं को देनी थी या आखिरी आहुति राहुल की ही थी? और किस लिए कर रही थी? वो लोग किस लिए कर रही थी? लड़के के लिए। सर, लड़की की जिंदगी कोई जिंदगी होती है? जिम्मेदारियों का बोझा और उसके ऊपर से गालियां। हम एक और आरती पैदा करना नहीं चाहते थे। क्यों, ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्या बताएं सर, जब हम पैदा हुए तो हमारी अम्मा मर गई, उसका जिम्मेदार हमें ठहराया। पापा जी के साथ नदी किनारे मेला देखने गए, वो गिर के मर गए, उसका जिम्मेदार हमें ठहराया। ब्याह करके ससुराल आए, हमारी सास खत्म हो गई, यहाँ तक कि घर का बंटवारा भी हो गया। इन सब चीजों का जिम्मेदार सिर्फ हमको ठहराया। आप भी बताइए, बेटे को कोई कुछ नहीं बोलता, बहुत है ना। बेटे की चाह में तुमने अपनी नंदों को मार डाला और उनकी बॉडीज को इसलिए जला दिया ताकि किसी को बलि के बारे में पता न चले। साहब, हम अपनी नंदों की बलि क्यों चढ़ाएंगे भला? हम तो 24 घंटे भगवान से सबकी भलाई चाहते हैं। राहुल के साथ क्या किया? हमको नहीं पता सर, वो खुद ही चले गए थे। बाबूजी, इतना सब कुछ होने के बाद तुम फिर से आ गए? तुम्हारा इस घर में अब कोई जगह नहीं है, कान खोल कर सुन लो, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना हम तुमको काजे डालेंगे। बाबूजी, बस। बाबूजी हमारी बात तो सुनिए। बाबूजी, हम कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किए, हम काहे किसी को मारेंगे? बाबूजी, बाबूजी, हमारे पेट में आपका वंश पल रहा है, हम गा जाएंगे। जहन्नुम में जाओ, मर जाओ, पर हमने दरवाजे पे दोबारा मत आना। दबाओ जाओ यहाँ। बाबूजी, 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 बाबूजी सुनिए तो, बाबूजी हमारी बात सुनिए, बाबूजी हम कहाँ जाएंगे? सर, कोई सबूत नहीं है जिससे आरती को कोमल और रश्मि की मौत का या फिर राहुल के गायब होने का जिम्मेदार ठहरा सके। और शेखर? शेखर के मोबाइल का लोकेशन क्राइम लोकेशन के आसपास कभी नहीं दिखा और उसकी ऐसी कोई संदिग्ध एक्टिविटी नहीं दिखी। खान, कहीं तो कुछ है जो हमसे मिसिंग है। हमें एक बार फिर से इस केस को नए नजरिए से देखना होगा। कोमल और रश्मि दोनों को आखिरी बार 12 तारीख को जनता कॉलेज में देखा गया और दोस्तों के मुताबिक दोनों एक ही टाइम पे कॉलेज से बाहर निकली थी और उसी दिन शाम को लगभग 5-6 बजे के बीच दोनों की मौत हुई। 17 तारीख को राहुल भी गायब हो गए। एक ही परिवार की दो लड़कियों की मौत, एक लड़का गायब। अभी तक कुछ नहीं किया है। शेखर का भी दिल्ली में होना कंफर्म हो चुका है। और ये आरती, एक अकेली गर्भवती औरत ये सब नहीं कर सकती। कान सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फैमिली की किसी से कोई पुरानी पुश्तैनी दुश्मनी थी? हो सकता है सर। आप लोगों की कोई पारिवारिक दुश्मनी, कोई ऐसा जो आप लोगों के बच्चों को मारकर आपसे बदला ले सकता हो? सर, जब घर में ही कातिल मौजूद हो तो बाहर वाले का जरूरत है। कौन? हमारी बहू आरती। जी सर, उसी ने इस घर को बर्बाद किया है। भगवान जाने कौन सी पूजा में लगी रहती है दिन भर। सर, हमने जो उसके साथ किया है ना, जरूर वो उसी का बदला ले रही है। देखिए, हमने चेक किया है, आरती के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि कोमल और रश्मि की हत्या उसने की। सर, हमारे बिटवा राहुल को उसी ने मारा है। अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सर, हमारा बेटा ऐसा नहीं है कि बिना कहे इतने समय घर से बाहर रहे। अगर वो नहीं मिल रहा है तो जरूर वो मारा गया है। सर, दो बॉडीज को जलाने के लिए कम से कम 10 लीटर पेट्रोल तो लगा होगा। खान, सभी पेट्रोल पंप्स पे पता करो कि 12 तारीख या उससे एक दो दिन पहले किसी ने इतनी मात्रा में पेट्रोल खरीदा है क्या। सर,
हाँ सर, कोई लड़की आई थी पेट्रोल लेने। सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। सर कई दिनों से सीसीटीवी खराब है हमारा। एक तो इलीगल तरीके से इतनी ज्यादा मात्रा में डब्बे में पेट्रोल देता है और उसका रिकॉर्ड भी नहीं रखता। तू जानता है ना कानूनन जुर्म है? जी सर। लड़की की शक्ल याद है? स्केच बनवा सकता है? जी सर। नहीं जानते हैं सर। कौन? इस लड़की को पहचानते हो? हाँ साहब, ये राहुल भैया से मिलने आती थी। हाय राहुल, कैसे हो? तुम हमारा पीछा कहीं नहीं छोड़ रही हो? राहुल, मैं जानती हूँ तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो और मुझे पता है तुम्हारी बीवी डायन है और वो जादू टोना करती है और ये तो बात सभी जानते हैं ना। एक बात ना तुमसे साफ़ कह रहे, कामिनी दोबारा ना अपनी शक्ल में दिखा ना यहाँ। और क्या जानते हो इस लड़की के बारे में? मतलब ये कहाँ रहती है कुछ पता है? ये तो नहीं पता ये कहाँ रहती है, पर हाँ साहब इसका नाम कामिनी है। ठीक सर, राहुल के फोन रिकॉर्ड में कामनी का नंबर है। ये देखिए, राहुल की तरफ से एक आध बारी कॉल किया गया है जबकि कामनी की तरफ से कॉल्स और मैसेज की भरमार है लगभग रोज। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये नंबर कोमल और रश्मि के फोन रिकॉर्ड में मिला है। खान, पता करो कि इस कामनी का कोमल और रश्मि से क्या कनेक्शन है और इस कामनी की डिटेल्स निकलवा। ओके सर। इसको जानती हो? सर ये तो कामनी है। कामनी कहाँ रहती है? कामनी सर कुछ दिनों से एब्सेंट है। इसका एड्रेस क्या है? कामिनी कहाँ है? कौन कामनी? मर गई मेरे लिए, चिट्ठी छोड़ के किसी लड़के के साथ भाग गई। कहाँ है वो चिट्ठी? फाड़ दी मैंने। क्या करता उस चिट्ठी का? अपने बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया, किसी शादीशुदा आदमी के साथ भाग गई। नाक कटा दी मेरी। सर गोपी के अनुसार कामनी राहुल से एक तरफा प्यार करती थी, राहुल उसे इग्नोर करता था, लेकिन सर लेटर के अनुसार कामनी किसी शादीशुदा इंसान के साथ भागी थी। और जो राहुल की तरफ इशारा करता है, और जिस दिन वो गई उसी दिन उसने पेट्रोल खरीदा जिससे कोमल और रश्मि को जलाया गया, और उसके चार दिन के बाद राहुल गायब। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल और कामनी भागने की फिराक में थे, कोमल और रश्मि ने देख लिया इसलिए उन दोनों को मार दिया? लेकिन खान, राहुल को भागने की जरूरत क्या थी? अगर वो कामनी से शादी करना चाहता तो बड़े आराम से कर सकता था, क्योंकि राहुल का परिवार आरती को पसंद नहीं करता था। तो राहुल को आरती से तलाक लेने के लिए उसके परिवार की सहमति बड़ी आसानी से मिल सकती थी। लेकिन कोई कड़ी है खान जो हमसे छूट रही थी। जी सर। ये सर, उस दिन जो लड़की पेट्रोल लेके गई थी जिसका स्केच बनवाया था तुमने, वो कैसे आई? सर वो कार से आई। कौन सी कार? नंबर याद है? सर वो सफेद रंग की गाड़ी थी और नंबर तो याद नहीं है सर। अच्छा, वो खुद ड्राइव करके आई थी या कोई था उसके साथ? सर था ना उसके साथ। कौन था, लड़का या लड़की? सर आपका शक सही निकला, एटीएम से पैसे विड्रॉ हुए, सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म किया है। ओके, उन्हें इन्फॉर्म करो कि हम भी आ रहे हैं। ओके सर। सर हमने अपने आदमी सिविल ड्रेस में उसके पीछे लगा दिया, बहुत जल्द हमारे प्लान के मुताबिक हम उसे घेर लेंगे। सर। साहू क्या खबर है? सर आपके प्लान के मुताबिक हम उसके और करीब पहुंच चुके हैं। पहचाना?
दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये रिश्ते के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है और समाज इस बात की मंजूरी नहीं देता। हम बस इतना चाहते थे कि हम यहाँ से दूर चले जाएं, कहीं ऐसी जगह जहाँ ना कोई हमें और ना ही हमारे रिश्ते के बारे में जानता। पर भागते पूरा परिवार हमें ढूंढता, मौत का नाटक करना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने कामिनी को। हेलो राहुल, आज बड़े दिनों बाद याद किया, आज ये सूरज कहाँ से निकला है? हाँ अरे बहुत दिन से ना हम तुमसे कुछ कहना चाह रहे थे मगर हिम्मत नहीं हो रही। ऐसी कौन सी बात है बताओ मुझे। वो क्या है ना कि हम भी वैसा ही फील करते हैं जैसा तुम हमारे लिए फील करते हो, मगर हम शादीशुदा और हम अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकते। तुम जानती हो ना कि वो हाँ डायन है, वो जादू टोना कर देगी है ना। अरे हमरे ऊपर तो सिर्फ तुम्हारे प्यार का जादू छाया हुआ है। ऐसा सच में है? सर कामिनी हमारे बातों में पूरी तरह आ गई थी, फिर हम उससे एक लेटर भी लिखवाए कि वो घर से भाग रहे, फिर हम बोले देखो जो आरती है उसको मार कर उसकी बॉडी जलाने के लिए पेट्रोल लगेगा, पेट्रोल लाने में कोमल उसकी मदद करेगी। 10 लीटर पेट्रोल दे दो ना। ऐसे नहीं मिलता मैडम, ऐसे जाओ। अरे भैया समझो ना, हम लोग सब पिकनिक पे जा रहे हैं और ये एक गाड़ी नहीं बाहर और भी गाड़ी है, आप समझो ना, दे दो ना प्लीज। आओ मैडम। फिर उस दिन ये दोनों पेट्रोल लेके पहाड़ी पे आए जहाँ हम पहले से मौजूद थे। मिल गया ही पेट्रोल, काम हो गया। आरती कहाँ है? वो आ गई आरती। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है। कोमल जल्दी से अपना कपड़ा इसको पहनाओ। अब फिर हम दोनों ने उसकी बॉडी को जला दिया। रश्मि को हमारे ऊपर शक हो गया था, उस दिन वो हमारे पीछे पीछे भी आई। कोमल भैया इतनी घिरी हुई हरकत, मैं सबको बता दूंगी, मैं सब। हम उसे सच में मारना नहीं चाहते थे, उसने सब कुछ देख लिया था और मजबूरी में हमें उसे मारना पड़ा। चलो इसको भी जला देते। हमें लगा कि परिवार हमें मरा मानकर हमें ढूंढना छोड़ देगा और हम आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। भाई बहनों की रक्षा के लिए होते। कैसा भाई है तू? दो जिंदगियां लेकर चैन की जिंदगी जीने निकला था तू? चैन का तो पता नहीं, बाकी की बची हुई जिंदगी तुम दोनों जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। राहुल ने सिर्फ अपने बारे में सोचा और अपनी इसी सोच की बलि चढ़ा दिया कामिनी और रश्मि को, लेकिन वो ये भूल गया कि लाशों की नींव पर सपनों के महल नहीं ठहरते। जिंदगी में इंसान को सब कुछ नहीं मिलता, कई बार ज्यादा पाने के लालच में इंसान जो हाथ में है उसे भी खो बैठता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।